अस्सलाम वालेकुम, क्लास 9 साइंस एंड आर्ट्स। टॉपिक अगेन वही है, लॉग के लॉ है, लॉ ऑफ लॉगरिथम। कल दो करवाए थे जो साइंस और आर्ट्स में सेम थे, आज भी जो करवा रहा हूँ ये साइंस और आर्ट्स का सेम। ये चीज़ लॉग ए एम है। मैंने लेट किया कि लॉग ए एम किसके बराबर है, एक्स के। लेट का मतलब क्या होता है, फर्ज करना। लॉग खत्म किया तो ए एक्स इज इक्वल टू क्या हो गया, समझ तो नहीं आई, इतना क्लियर है? इतना पार्ट मैंने कहा जी लॉग ए एम इज इक्वल टू एक्स है, लॉग लिया खत्म किया तो ए एक्स इक्वल टू क्या हो गया, एम। यहाँ क्या पावर है, एन, तो यहाँ क्या पावर ले लूंगा, एन। तो क्या बन जाएगा, एन एक्स इज इक्वल टू एम एन। अगर मैं अब लॉग अप्लाई करूं इसके ऊपर, क्या अप्लाई करूं, लॉग, तो क्या होगा, लॉग ए वो एम एन यहां पे आ जाएगा और ये एन एक्स वहां चले जाएगा। ये लॉग ए एम एन एज इट इज रहेगा और यहां क्या होगा, एक्स की वैल्यू क्या थी, लॉग ए एम, वो पुट कर दी जाएगी। और जो क्वेश्चन था लॉग का, लॉ प्रूफ करना है, वो वापिस आ गया। आई समझ के नहीं आई, एक स्टेप लॉग खत्म करना है, दूसरा स्टेप एन पावर लेनी है, तीसरा स्टेप लॉग ले लेना है, खत्म क्वेश्चन। ए एक्स इक्वल टू एम है, इसकी पावर मैंने एन ली, ए एक्स एन और ये एम एन हो गया, पावर पावर से मल्टीप्लाई हो तो एन एक्स बन गई। इस पर लॉग अप्लाई किया तो एन एक्स वहां चला गया, वो एम एन यहां आ गया और वो आंसर आ गया। क्लियर है? ये नोट करें, साइंस आर्ट्स दोनों, साइंस ही बुक दिखाएं मुझे। आपका थर्ड लॉ था ये आर्ट्स साइंस वालों का, आर्ट्स खत्म हो गए, आर्ट्स में नोट करें, साइंस वालों को करवा रहा हूँ। ये जो फोर्थ लॉ है ना, यही आपके एमसीक्यू में भी आया हुआ था, लेकिन वो लॉ की बेस पे नहीं था, सिंपल क्वेश्चन की बेस पे था। लॉग क्या है, लॉग ए एन लॉग बी एन मल्टीप्लाई बाय लॉग ए बी, इतना अलग है। फिर वो कहता है और, क्या कहता है, ये भी प्रूफ करना आपने, ठीक है, ये इसके बराबर भी है और ये दो प्रूफ करने हैं आपने। अब देखें, लॉग ए एन है, लॉग बी एन है, लॉग ए बी है, इनमें से अलग वाला कौन सा है, बी वाला कि ए वाला जी, लॉग ए सेम है, लॉग बी एन जो चेंज है उसे लेट कर लो, किसके बराबर है, आई गई, इधर हो गया। अब लॉग खत्म होता था क्या होता है, वो यहाँ आ जाता है और ये, अभी भी समझ आई कि नहीं आई, पहले लॉग लिया था, अब लॉग ए अप्लाई करूंगा, क्या अप्लाई करूंगा, लॉग ए जब अप्लाई करूंगा ना तो किसी की जगह नहीं बदलती, किसी की भी जगह था ना, पहले किया था लॉग लगाया तो ये वहां वो यहाँ, जब लॉग विद द बेस ए लगाया जाए तो ये वहीं रहता है, ये भी वहीं रहता है अपनी जगह पे। पावर के ऊपर पावर आगे तो शीफ ले आती है, लॉकर उपरा था ना आपने कि पावर आगे आ गई, लॉग ए बी इक्वल टू लॉग ए एन, लॉग ए एन ये आ गया, लॉग ए बी ये आ गया, एक्स किसके बराबर है, लॉग बी एन के, पुट द वैल्यू ऑफ एक्स इन इक्वेशन वन। कोई बात समझ आई कि चली गई, मैंने क्वेश्चन पकड़ा जो अलग था उसे एक्स कह दिया, लॉग खत्म किया तो लॉग खत्म हो गया, बी एक्स और एन बन गया। अब मैंने उसे लॉग ए अप्लाई किया, क्यों अप्लाई किया कि लॉग ए चाहिए, लॉग ए अप्लाई किया, लॉग ए बी एक्स, लॉग ए एन आ गया, ये पावर आगे आ जाती, आगे आ गई, यहाँ उसकी वैल्यू पुट कर दी, वैल्यू पुट कर दी और ट्रू हो गया, डन है, विदाउट है।
जी ए बी लिखा हुआ है। अच्छा सॉरी ए एन है, प्रूव हो गया इतना। अब वो कहता है इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना अरेंज करके, ठीक है। अभी तो मैं आपको बाय रूल यहाँ लेके आऊँगा ना, लेकिन सिंपल क्या होता है अगर ये लॉग ए बी लिखा हुआ है ना, क्या लिखा हुआ है, अगर इसे मैं फ्रैक्शन के नीचे लेके जाऊँ तो क्या होगा, बी नीचे ए ऊपर, ये ऑब्जेक्टिव आता है। ये मैं आपको देसी तरीका बता दीजिए, अगर ए बी है तो क्या बन जाएगा, ए एन है तो क्या बन जाएगा, एन ए, ठीक है। ये क्या है, दो नंबर तरीका और अच्छा तरीका ना हमारा, हम इस पर चलते हैं ज़्यादातर। अब इसको हम विदाउट दो नंबर तरीका ये बनाना चाहते हैं, ठीक है। ऊपर क्या है बी एन, तो बी एन को नीचे हेरना आपने, नीचे क्या है ए ए बी है ना, दो नंबर तरीका बी ए बन रहा है, तो देखो बी ए नीचे जा रहा है, जहाँ छुट रही है छुड़ानी नहीं है, ऐसे स्टेप्स देने हैं उसे हमने। अब वो कहता है पुटिंग एन इज इक्वल टू ए, क्या कर रहा हमने, ये ख़त्म हो गया यहाँ तक। मैं क्या कर रहा हूँ, पुट करना है मैंने कि एन किसके बराबर है ए के, इन इक्वेशन टू, कहता है इक्वेशन टू में एन इज इक्वल टू ए पुट कर दो, तो लॉग ए ए हो गया, हो गया। यहाँ क्या हो गया, लॉग नीचे बी है ऊपर एन है, तो क्या हो जाएगा ए हो जाएगा, और यहाँ एन नहीं है तो ये बेचारा वैसे क्या वैसे ही रह जाएगा। लॉग का रूल है बेस और पावर सेम हो तो वन के इक्वल होता है, क्या होता है, ये भी आपका एक एमसीक्यू बन सकता है, सेम हो तो क्या होता है वन। तो यहाँ पे क्या आ गया, मतलब एक क्वेश्चन के अंदर कितने पॉइंट्स निकल रहे हैं आपने देख ली हैं, ठीक है। अब ये डिवाइड मल्टीप्लाई वहाँ रह क्या होगा, तो वन ओवर लॉग बी ए इक्वल टू लॉग ए बी। मैंने आपको भाई दो नंबर तरीका बताया, पुट्ठा कर दो भाई जान छुट जाती है, लेकिन उल्टा कैसे कर रहा है वो वजह ही बता दीजिए क्या हुआ क्या उसके साथ, क्लियर है। लॉग ए बी किसके बराबर है, पुट द वैल्यू ऑफ, इसको दोबारा लिख लेते हैं आगे, आपने दोबारा लिखना है क्वेश्चन को, लॉग ए एन लॉग बी एन लॉग ए बी। जी जी अभी मल्टीप्लाई हो रहा ना तो डिवाइड हो रहा जाके, ठीक है। अगर मैं ये रूल नहीं फॉलो कर रहा तो मैं वैसे ही उल्टाना चाह रहा हूँ अपनी जगह पर ही, तो वो उल्टेगा ना, ये तो अलजेब्रिकल नीचे आ रहा है वो, अगर अपनी ही जगह पर रिवर्स हो रहा है वो, तो मैंने वो लॉजिक बताई थी आप, मैंने रिप्लेस कर दिया कि नहीं किया, अभी नहीं किया। क्या लिखूंगा, पुट द वैल्यू ऑफ लॉग ए बी इन इक्वेशन थ्री, लॉग ए एन वैसे का वैसे ही, लॉग बी एन वैसे का वैसे ही, लॉग ए बी किसके बराबर हो गया, वन ओवर लॉग बी ए के, जब मिलाएंगे तो क्या होगा, लॉग बी एन ओवर लॉग बी ए। क्या यही नहीं प्रूफ करना था हमने, मतलब यहाँ तक क्वेश्चन ख़त्म होने के बाद दोबारा चल पड़ा है पूरा करने के लिए, लॉग ए बी लॉग बी ए कैसे बना बताया मैंने, चार लॉ रहते थे चारों लॉ पूरे हो गए हमारे, ठीक है। देखिए कुछ हो रहा था हमारा इस चैप्टर में से, छोटे छोटे क्वेश्चंस हैं, एक क्वेश्चन और देखें ज़रा, जिसका ये दो नंबर तरीका नहीं मैंने करवाया था अभी, एग्जाम्पल एग्जाम्पल है पेज नंबर 69 पे, लॉग 23 है और लॉग 38 है, सेम एज इट इज आपको एमसीक्यू तशरीफ लाया था। देखें ऊपर वाली वैल्यू 3 है, ऊपर 3 लिख दें, नीचे 2 है नीचे 2 लिख दें, ऊपर 8 है ऊपर 8 लिख दें, नीचे 3 है नीचे, मुश्किल है कोई, सिंपल वे आसान रास्ता कट गया। लॉग 8 क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 बाय लॉग 2 है, ये क्या बन जाएगा, 2 की पावर 3 और पावर आगे आ जाएगी, बनेगी या नहीं बनेगी, ये क्या बनेगा, लॉग
log 3 की पावर 2 ओवर log, सॉरी 2 की पावर 3 ओवर log 2। अब 3 कहाँ जाएगा, 3 आगे आएगा, log 2 ओवर log 2 कट गया, तो क्या आंसर आया, देखिए 3 है। मतलब ये ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी ऐसे घुमाना मैं सिखा दिया, ऊपर वाली वैल्यू फ्रैक्शन से ऊपर, नीचे वाली वैल्यू फ्रैक्शन से, और आंसर आते रहेंगे आपको। क्लियर है, नोट करें, शाबाश। इसी पेज पे काफ़ी पॉइंट्स और हैं, लॉग ए बी इक्वल टू 1 ओवर लॉग बी, ये मैंने बता दिया यहाँ पे, ये सारे पॉइंट्स देखिएगा पेज नंबर 69 पे हैं, जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। चार लॉ थे, चार लॉ करवा दिए, जितनी एग्जाम्पल पेन थी सब करा दी, जो ये मैंने चीज़ समझाई है ना अभी ऊपर नीचे करने वाली, इस तरह आपके बहुत से एमसीक्यू सॉल्व होने वाले हैं। ये लॉ उतारने के बाद एमसीक्यू सॉल्व करें, नहीं होता तो हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे फिर। थैंक यू।